हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11 बी, जिसमें हम देखेंगे एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, जो कि हमारा आरएस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर सात से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस और इसका प्रीवियस एक्सरसाइज किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो इसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाकर देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपके जितनी भी डाउट्स हैं ना, वो सारी डाउट्स आपको वीडियो देखने के बाद और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्लियर हो जाए। और सब जब आपकी सारी डाउट्स क्लियर रहेगी प्रीवियस में ही, तो फिर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा, सिंपल सा है। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपका 11 बी का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले तो क्वेश्चन क्या है, तो आप 6 नंबर क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, आपको डिफरेंशियल्स का यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पे जो क्वेश्चन है ना, यहां पे जो क्वेश्चन है वो 1/2.022 का स्क्वायर इस फॉर्म में है। अभी तक हम जो क्वेश्चन बनाते आ रहे थे वो आपका रूट के फॉर्म में था, √49.5, रूट ऐसे ही कुछ करके रूट में था। अब ये बटा में आ गया है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा ना, fx लेट, पहले लेट लिख देते हैं, लेट fx इक्वल टू, उसको जो मानेंगे ये 1/x² मानेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही मानेंगे, ठीक है। 1/2.02 है, यानी इसको हम x कर ले तो x स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ये भी कोई आपको ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू ये क्या होगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और इसमें हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे इतने पार्ट में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो 1/x² है ना, इसको हम लिख सकते हैं x-2, आराम से लिख सकते हैं। पावर जो है ऊपर जाता है तो माइनस में आता है, ऊपर से पावर नीचे आता है तो प्लस में आता है, सिंपल सा आपको बात है, ठीक है। ये -2। अब आप n वाला फॉर्मूला याद कीजिए, n वाला फॉर्मूला क्या होता था, x के पावर n होता था, तो आप बोलते थे ना n x के पावर n -1, ये आपका फॉर्मूला होता था dy/dx में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये कोई आपका फॉर्मूला नहीं होता है, dy/dx होता है, हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं dy/dx होता है। अब ये -2 आगे हो जाएगा, -2 आगे हो जाएगा, और x के पावर -2 -1 यही होगा ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद आपका ये हो जाएगा -2 एक्स के पावर -3, यही होगा ना। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, -2 एक्स क्यूब, यही होगा ना, -2 एक्स क्यूब। यानी यहाँ पे जो एफ एक्स होगा ये क्या हो जाएगा, -2 एक्स क्यूब, ठीक है। ये हमारा हो गया एफ डैश एक्स। अब इसके बाद की जो कहानी है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, फॉर्मूला तो ही होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, एफ एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, 1/x² इक्वल टू, यहाँ पे एफ डैश एक्स के जगह पे -2 एक्स क्यूब इंटू, अब डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद पुट, और पुट में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन क्या है, 2.002 है, तो इसके जगह पर आप क्या रख सकते हैं, आप क्या रख सकते हैं, यहां पे हम रख सकते हैं 2+0.002, कोई फेक नहीं पड़ेगा, जोड़ के आप देख लीजिए 2.022 ही होगा, 002 ही होगा। तो x इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, 2, और डेल्टा x इक्वल टू 0.002, यही होगा ना। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, f x के जगह पे 2 प्लस डेल्टा x के जगह पे 0.002, ठीक है, माइनस 1/, यहाँ पे आप ध्यान दें x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा,
इक्वल टू माइनस टू माइनस टू, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब है तो है तो टू का क्यूब हो जाएगा और क्या होगा, इन टू डेल्टा एक्स, ये कितना है 0.002। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना होगा, एफ ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.002। ठीक है, 2.002 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस टू इंटू 0.002 बाई ये 2 का क्यूब कितना होता है जी 8। ठीक है, अब यहीं पे पॉइंट को कैंसिल कर लें, 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या हो सकता है, अब आप याद करें कि इसके बाद क्या हो सकता है, ये हो जाएगा एफ 2.002 माइनस 1/4 इक्वल टू, यहाँ पे इसको यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस टू में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा बाई ये कितना हो जाएगा 8000। तो अब इसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा एफ 2.002 इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे जब आप इसको कटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा ना, यानी -1/2000 और ये माइनस में देगा तो प्लस में 1/4। अब इसके बाद एफ 2.002 इक्वल टू, अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा अभी फिलहाल 8000 ही कर देते हैं। ठीक है, अभी या तो फिर तो ये आपका कट ही जाएगा, ये कट जाएगा ना, कितना बार में इसका आपका जो एलसीएम कर देते हैं 2000 ही कर देते हैं, एलसीएम तो 2000 ही हो जाएगा ना, चूँकि कट जाएगा 4 से। अब ये कितना हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पर ये कितने बार में कटेगा, ये आप देखें कि 500 बार में कटेगा, 500 1000 और 1000 को 2 बार में 2000 यानी 4 बार में ना, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 यानी 5 हो गया और 00 ये कितना हो जाएगा 500। अब ये कितना हो जाएगा एफ 2.002 इक्वल टू 499/2000। अब एफ 2.002 और जब इसको डिवाइड करेंगे 499 को 2000 से तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 0.2495, कितना हो जाएगा 2495 के इक्वल हो जाएगा, आप डिवाइड करके देख लेंगे। अब यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन है ना, फंक्शन एफ 2.002 था और हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या था 1/x² था, 1/x² और एक्स की जगह क्या था 2.002, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2.002 का स्क्वायर इक्वल टू आपका जो फाइनली वैल्यू है वो हो जाएगा 0.2495 आंसर, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1/2.002 का स्क्वायर, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी कुछ नहीं है। लेट एफ एक्स इक्वल टू 1/x² और 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx होता है, हम तो पूरा डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप पहले जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, डिफरेंशिएशन को आप पहले क्लियर कीजिए उसके बाद इसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी ईजी और काफ़ी मज़ा आएगा, नहीं करे हुए हैं तो थोड़ा सा हम बता भी दिए हैं, इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें 1/x² के जगह पे x के पावर -2 ले सकते हैं और -2 n का फॉर्मूला एक होता है dy/dx x के पावर n इक्वल टू n x के पावर n -1 फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो n के जगह क्या -2 x -2 -1 यानी कि -2 x के पावर 3 हो जाएगा और ये जो माइनस है ना, माइनस मतलब इन्वर्स होता है, नीचे माइनस आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2x³ यानी कि -2x³ इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब उसके बाद एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, अब जहाँ जहाँ एफ डैश एफ एक्स है ना वहाँ वहाँ 1/x² और जहाँ जहाँ एफ डैश एक्स है ना वहाँ पे -2/x³ रख दिए। फिर आपके पास क्वेश्चन जो है 2.002 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.002 के फॉर्मेट में, जोड़ेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
चूंकि अब यहाँ पे x जो है उसको हम 2 ले लिए और डेल्टा x जो है 0.002 ले लिए, और इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास वैल्यू आ गया निकाल के, इसको इसमें बारी बारी से पुट किए, x की जगह पे ये और डेल्टा x की जगह पे ये, तो ये आ गया। अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा 2.002 हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 0.002 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई डाल दिए 2³, 8। अब यहाँ से पॉइंट आपका कैंसिल होगा तो 1, 2, 3 है, तो 3 जीरो हो जाएगा यानी 8000 हो जाएगा। अब f 2.002 -1/4, और ये 2 में -2 में 2 से कराएंगे क्या हो जाएगा -4/8000, यहीं पे इसको कटा दिए 2000 हो गया। फिर f 2.002 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2000, और ये माइनस में देता तो प्लस में 1/4। अब इसको बटा पर जोड़ किए तो हमारे पास आ गया f 2.002 इक्वल टू 500 में से माइनस बन गया तो 499/2000, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा f 2.002 इक्वल टू 0.2495, डिवाइड करेंगे तो, यानी 1/2.002 का स्क्वायर इक्वल टू 0.2495, यहाँ पे क्या है 2495, यही हमारा रिजल्ट होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।